इस बार पूर्वोदय की कल्पना को बजट में स्थान देके माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आश्वासन था, जो दायित्व तो था पूर्वी भारत के प्रति, उन्होंने पिछले 10 साल से अनेकों कदम उठाए हैं, लेकिन इस बार बजट में पूर्वोदय एक कल्पना देके उसको एक मजबूत कदम उसके ओर बढ़ाया गया है। किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ये बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐतिहासिक है। और अलग अलग राज्यों के लिए जिस प्रकार से, खासकर जो ईस्टर्न इंडिया जो इकोनॉमी के लिए, ये प्रतिक्रियाएं तो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश जो है वो अब सामने आ गया है। और नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। देखिए, कल भी इस पर सुनवाई हुई थी, ये माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐतिहासिक फैसला सुना सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। आज भी इस पर सुनवाई जारी थी और ये कह दिया गया है कि दोबारा नहीं होगी परीक्षा। कोर्ट ने यह माना था कि हाँ, धांधली इसमें हुई है, ये पेपर लीक हुआ है, गड़बड़ी इसमें पाई गई है, लेकिन उस लेवल तक नहीं जा पाया कोर्ट ने कि जो एग्जाम है वो दोबारा कराया जाए। क्योंकि देखिए, री एग्जाम को लेकर ही दरअसल जो ये सुनवाई है वो चल रही थी। इसका पूरा जो ब्यौरा है वो देने को शनिवार तक कहा गया था। और एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सुजाता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजाता, ये एक बड़ा फैसला है, इसका मतलब ये कि ठीक है, गड़बड़ी पाई, ये तो कोर्ट ने माना था कि गड़बड़ी इसमें पाई गई है, धांधली इसमें हुई है, लेकिन इस लेवल तक नहीं हुई है कि री एग्जाम कराना पड़े। सुजाता, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मुझे नहीं लगता है कि सुजाता तक मेरी आवाज पहुंच रही है। हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक बड़ा आदेश, इससे बच्चों पर असर पड़ सकता है। जो छात्र हैं, परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं है या क्या है? हालांकि कोर्ट ने ये माना था सुजाता कि हाँ, गड़बड़ी हुई है, लेकिन शायद लगता है कि कोर्ट ने उस लेवल तक नहीं उसको लगा, या ऐसा कुछ नहीं मिला उसको कि री एग्जामिनेशन की जरूरत पड़े। बिल्कुल, देखिए, यही प्रश्न था कि क्या व्यवस्था के लेवल पर गड़बड़ हुई है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ हुई है क्या, तभी हम दोबारा परीक्षाएं कराएंगे। और कल जिस तरह से डिटेल में बातचीत की गई और पक्ष रखा गया, क्योंकि जो अभियोजन पक्ष है, जो याचिका करता है, उनको ये साबित करने के लिए कहा गया था कि आप बताइए कि बड़े पैमाने पर ये गड़बड़ी हुई है और इसीलिए हम 23 लाख बच्चों को दोबारा परीक्षा में बैठाएंगे। माना गया है कि लीक हुआ है, लेकिन वो लोकलाइज्ड है। और ये भी गाइडलाइंस दी गई है कि काउंसलिंग के दौरान भी जांच चल रही है, CBI जांच कर रही है, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस टाइम भी छात्र की जो परीक्षा है वो रद्द की जा सकती है, उसका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। हमारे साथ देखिए लगातार डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया जो है, लगातार वो छात्रों के साथ आंदोलन कर रहे थे। अब बताइए, बड़ी उम्मीद थी आपको? मैम, मैं तो अभी भी सुन रहा हूँ, क्योंकि अभी भी वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड लिखवा रहे हैं। उनने सारी बातों पर बात की, क्या कैसे पेपर लीक हुआ और ब्रॉड लेवल पे नहीं हुआ है। उनने ये भी कहा कि CBI को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको जो है फॉलो करना है, काउंसलिंग के दौरान भी अगर कोई पाया जाता है तो आपको उसको। लेकिन आप लोग ये साबित नहीं कर पाए, जैसा आपने कहा ना कि सिस्टमैटिक फेलियर है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि सिस्टमैटिक फेलियर है। मैम देखिए, मुझे ऐसा लगता है अभी भी मैं होप कर रहा हूँ कि कहीं उस लाइन में होगा कि हम 2 लाख या 1 लाख लोगों के लिए रीटेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपके चैनल पे लाइव हूँ और अभी भी मैं ऑनरेबल CGI को सुन रहा हूँ। मुझे होप है, पेपर लीक इस्टेब्लिश हुआ है, 155 लोगों को पकड़ा गया है, तो कम से कम 1 या 2 लाख लोगों का रीटेस्ट होना चाहिए। स्टिल मैं अभी सुन रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ फिर से एक बार, दर्शकों को बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माना है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन वो है हजारीबाग और पटना तक ही, 155 छात्रों तक इसका फायदा पहुंचा है। अभी तक जो 10 तारीख तक की जांच CBI रिपोर्ट ने सौंपी है, इसीलिए वहां पर जो जांच है 10 तारीख तक की, उसमें इतनी ही बात सामने आई है। और सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि ये बड़े लेवल पर गड़बड़ी नहीं पाई गई है और इसीलिए दोबारा परीक्षाएं नहीं कराई जा सकती है। लेकिन जो गाइडलाइंस दी गई है, क्योंकि देखिए, दरअसल NTA ने कहा था कि हम 24 तारीख यानी कल से काउंसलिंग शुरू करना चाहते हैं, हम काउंसलिंग शुरू कर देंगे। काउंसलिंग का मतलब है एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो
गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है कि आप काउंसलिंग कराइए, काउंसलिंग के दौरान भी उधर जांच चलती रहेगी, सीबीआई जांच करती रहेगी, जो जो गड़बड़ी पाई जाती है, जिन जिन के नाम सामने आते हैं उन पर कार्रवाई होगी, अगर एडमिशन कोई छात्र ले भी लेता है तो भी उसका एडमिशन रद्द किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज पांचवी बार सुनवाई हुई है। पहचान कर पाना कैसे संभव होगा सुजाता, ये भी एक बड़ा यहाँ पर विषय है। देखिए क्योंकि सीजीआई द्वारा भी ये टिप्पणी की गई थी। बिल्कुल, देखिए ये बहुत सारे विषय हैं जिस पर विस्तार से कल भी बात की गई थी और पांचवी सुनवाई लगातार हुई है, जिसमें एनटीए की तरफ से एसजी तुषार मेहता लगातार ये कहते रहे हैं, मानते हैं कि हाँ गड़बड़ी हुई है, लेकिन वो बहुत ही छोटी लेवल की गड़बड़ी है, जांच चल रही है और उनके पास तरीका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ये कहा था कि क्या आप छात्रों को चिन्हित कर सकते हैं, क्या आप फिल्टर कर सकते हैं कि कौन से छात्र दागी हैं और कौन से छात्र दागी नहीं है, और अब पांचवी सुनवाई के दौरान सीजीआई सुप्रीम कोर्ट की जो 3 सदस्यीय बेंच थी वो हो गई है कि हाँ ऐसा मैकेनिज्म है जिससे उन छात्रों की पहचान हो सकती है, जो गड़बड़ी जिन्होंने गड़बड़ी की, जो दागी हैं उनको अलग किया जा सकता है, आज नहीं तो कल, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी, कोई टाइम लिमिट उसकी नहीं है, एडमिशन लेने के बाद भी उन छात्रों की अगर पहचान हो जाती है, अगर वो इसमें दागी पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो जो फिल्टर मैकेनिज्म था उसकी बात सुनी, आईआईटी मद्रास ने जिस तरह के एक डाटा एनालिसिस किया था उसको भी स्वीकार किया है, हालांकि याचिकाकर्ता ये कह रहे थे कि वो बड़ी ही बात थी, उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं थी जिससे गड़बड़ी पकड़ी जा सके, लेकिन सीजीआई ने माना कि काम किया गया है। कल जिस तरह से एक प्रश्न को लेकर भी पैनल का गठन किया गया था, उसने भी बता दिया है कि कौन सा नंबर, कौन सा जो जवाब है वो सही है, और कल ही ये संकेत मिल गए थे, क्योंकि अगर परीक्षा रद्द करनी होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक प्रश्न के जवाब के लिए इतनी वाथापच्ची नहीं करता, इतनी मेहनत नहीं करवाता, 3 लोगों का पैनल नहीं बनाता, उसका जवाब भी हो चुका है, 4 नंबर यानी डी, और साथ ही साथ कई और ऐसी टिप्पणियां जो लगातार हम बता रखे हैं, और साथ ही 24 लाख जो छात्र हैं उनके भविष्य का सवाल है, कई ऐसी टिप्पणी करते हुए कि उन छात्रों पर क्या असर पड़ेगा, इस तरह की तमाम बातें, और अभी भी कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिन पर स्थिति स्पष्ट की जा रही है, साफ की जा रही है कोर्ट द्वारा। बहुत शुक्रिया लेकिन सुजाता इस तमाम जानकारी के लिए आपका, और वापस हम लौटेंगे, बात हम कर रहे हैं आज बजट की, बजट में किससे क्या मिला, लगातार वो टैक्स स्लैब की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि जो नए बदलाव किए गए हैं न्यू रिजीम में उससे क्या फायदा होता हुआ नजर आता है, लेकिन फटाफट से आइए यहां पर बता देते हैं कि क्या क्या सस्ता हुआ, क्या क्या महंगा हुआ, तब हमारे साथ जो खास मेहमान बने हुए हैं उनका भी हम रुख करेंगे, क्या क्या सस्ता हुआ है सबसे पहले इस पर आ जाते हैं, क्योंकि जो भी आम लोग हैं वो सबसे पहले यही देखते हैं कि भाई क्या क्या सस्ता हुआ है, कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई हैं, सोना चांदी सस्ता हो गया है, प्लैटिनम हो ये सस्ता हुआ है, मोबाइल फोन मोबाइल चार्जर सस्ते हो गए हैं, बिजली के तार सस्ते हो गए हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो सस्ती हुई हैं, लिथियम बैटरी सस्ती हुई है, एक्सरे मशीन भी सस्ती हो गई हैं, सोलर सेट्स जो हैं वो सस्ते हुए हैं, लेदर का सामान चमड़े का सामान सस्ता हुआ है, और सी फूड की अगर बात करें तो सी फूड सस्ता हुआ है, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो महंगी हुई है, ये भी आपको जाननी ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप बाज़ार में जाएं और आप ठगे जाएं, तो ये भी जानना ज़रूरी है क्या महंगा हुआ है। हवाई सफ़र महंगा हो गया है, तो अगर आप ज़्यादा हवाई सफ़र करते हैं और यूं दनादन अगर आप फ्लाइट बुक कराते रहते हैं, आज यहाँ घूमना है कल वहाँ घूमना है, तो वो महंगा हो गया है, सिगरेट महंगी हो गई है, प्लास्टिक महंगा हो गया है, पीवीसी फ्लैक्स की अगर बात करें अब वो महंगा हो गया है, पीवीसी फ्लैक्स बैनर की अगर बात करें, कस्टम ड्यूटी बढ़ी है, और पेट्रोकेमिकल की अगर बात करें तो ये भी महंगा हो गया है, प्लास्टिक सामान की अगर बात करें तो उस पर आयात शुल्क जो है वो बढ़ा दिया गया है, पेट्रोकेमिकल अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, पीवीसी की बात करें इंपोर्ट घटाने के लिए 10-25% का इजाफा किया गया है, और जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि हवाई सफर महंगा हो गया है, सिगरेट महंगी हो गई है, तो ये सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको दिखाई।